आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। परिवर्तन चौक पर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। 6800 चयन का अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं है और जबरदस्त हंगामा काटा गया है। इस दौरान प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। लगातार जिस तरह से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में इस वक्त परिवर्तन चौक पर मौजूद है और वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी भर्ती को लेकर के मांगे वो रख रहे हैं और साथ ही साथ जो महिला अभ्यर्थी है वो काफी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो अपनी रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में होर्डिंग्स और बैनर्स लिए ये अभ्यर्थी अपने नौकरी की, अपने रोजगार की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता विभांशु उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जो ये अभ्यर्थी है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं, कई दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, क्या अभी तक किसी की तरफ से इनके कोई इन्हें आश्वासन दिया गया? जी त्रिशला, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में जो अभ्यर्थी हैं उनका आज प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बताएं कि आज परिवर्तन चौक पे लगभग, आपको बताएं कि लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे त्रिशला की 6800 चयन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र के मांग को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसमें आपको बताएं कि दलित पिछड़े दिव्यांग अभ्यर्थी का लखनऊ के परिवर्तन चौक में आज का धरना है। इसमें खास तौर से जो जो SC ST समुदाय से आते हैं, साथ ही साथ जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो लोग भी आज प्रदर्शन में मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आशा आकांक्षाओं लगाकर सरकार से अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर वो आज वहां बैठे हुए हैं। और अगर बात करें जिम्मेदारों की, तो अभी अभी अगर बात की जाए बीते आधे घंटे की, तो आधे घंटे सुबह से प्रदर्शन चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में है। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है और जिम्मेदार के तौर पे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जाकर अभ्यर्थियों को मना रहे हैं और धरना खत्म करने की बात कही जा रही है। मगर अभी अगर देखें तो संख्या बल कम हो चुकी है, मगर अभी भी अभ्यर्थी परिवर्तन चौक पे बैठे हुए हैं। लेकिन विभाजु, क्या किसी बड़े अधिकारी या फिर संबंधित किसी मंत्री का बयान या कुछ अभी सामने आए इन अभ्यर्थियों के लिए? क्योंकि अभ्यर्थी अपने हक की बात कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई के लिए अभ्यर्थी आज परिवर्तन चौक पे मौजूद है। जी पिछला आपको बताएं कि वो अपने नियुक्ति पत्र के मांग को लेकर विगत महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अब तक बात की जाए तो बस आश्वासन में उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से बस एक आश्वासन मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को कम कर रहा है। क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मीडिया बाइट्स में उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम परीक्षाओं को निकालकर, तमाम तैयारियों को निकालकर और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, मगर उन्हें नियुक्ति पत्र न दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो निराश हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि वो तमाम संबंधित एग्जामों में वो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, तो विभिन्न तैयारियों से वंचित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को सोचना चाहिए और 6800 जो अभ्यर्थी हैं जिन नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा तय पूरी की है और परीक्षा प्रक्रिया में पास होने के बाद उन्हें अगर देखा जाए तो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, मगर उसमें देरी हो रही है। अब सरकार को ये देखना होगा, अभी नई सरकार, दूसरा योगी सरकार का 2.0 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखे तो लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे सरकार के कुछ स्टेप हो सकते हैं कि अभ्यर्थी को लाभ मिल सके। मगर अभ्यर्थियों की आशा आकांक्षाएं यही है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले जिससे वो उनके भविष्य के लिए बेहतर हो सके। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को रालोद और सपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। वही इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही रालोद के कई नेता और समर्थक मौजूद रहे। सपा उम्मीदवार जावेद अली और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल पहले ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि सपा के साथ हमारा गठबंधन कायम है और कायम रहेगा। जिस तरह हम मिलकर विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़े थे, उसमें हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है। राज्यसभा प्रत्याशी बनाने के लिए मैं अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पे राज्यसभा के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे तरीके से खबर अलीगढ़ से जहां तस्वीर महल चौराहे पर कमिश्नर व दर्जनों पत्रकार ने गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा का अनावरण कर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया। इस मौके पर एडीएम व कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मूर्ति को यहाँ चौराहे पर स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर किया गया है। विद्यार्थी जी बेस्ट पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यह मूर्ति बीएल मधु साहब ने, धीरेंद्र सिंह बाकी सभी टीम ने पहले सेंटर पॉइंट पर स्थापित कराई थी। सेंटर पॉइंट पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया था। उसी समय से हमारी मांग थी कि अच्छी प्राइम लोकेशन में गणेश शंकर विद्यार्थी जी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। शाहजहापुर में भारी पुलिस बल और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में नगर के मुख्य मार्ग बनखंडी नाथ मंदिर से लेकर चित्ता टॉकीज मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए बुलडोजर को रोकना पड़ा, जिसके बाद नगर आयुक्त से बात की गई और फिर कार्यवाही शुरू की गई। केवल एक ही मांग है कि जो दुकानदार है या मकान है जिनके, उनको चालने का रास्ता दिया जाए और बजाय अतिक्रमण जो है चार खंभे से चालू करके चालू किया जाए। हमारे नगर आयुक्त साहब ने कहा कि चार खंभे से चालू किया जाएगा ठीक, और जो चढ़ने की जगह है उसके सबको दी जाएगी। दिशा निर्देश सिर्फ ये है कि अगर किसी के मकान का निकास हो, अगर उसको तोड़ने से वो व्यक्ति मकान घर वाले मकान से निकल ही ना पाए तो उसको अभी नहीं छोड़ा जा रहा, उनको नोटिस दी जाएगी कि आप अपना स्वयं करा के जाल लगा लें। एक चीज दूसरे, कुछ मकान जर्जर हैं जो कि पिलर पे टिके हुए हैं, पिलर भी जर्जर है, तो जहाँ ऐसी आशंका है कि तोड़ने से पिलर डैमेज हो सकता है या मकान गिर सकता है, वो जगह छोड़ा जा रहा है, मकान वालों को नोटिस दी जा रही है। तीसरा, जो मेडिकल वो है जैसे हॉस्पिटल वगैरह है तो उनको वार्निंग दे दी गई है कि जैसे पेशेंट आते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो आती है तो वो स्वयं अपना जाल लगा ले, हम लोग नहीं। लखनऊ में एक सनसनी केस मामला सामने आया, जहां इंडियन आर्मी के सोल्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सोल्जर के से दबंगों ने 2.5 लाख रुपए की लूट की और सोल्जर ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आर्मी के सिपाही से बदसलूकी भी की, जिसके बाद सिपाही ने सीएम आवास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी पे आया था, गेस्ट हाउस में मिष्ठान बनवा रहा था, उसी दौरान हमारे साथ 5 से 6 लोग आए, मेरे साथ लूटपाट करने लगे। मैंने उसका विरोध किया, विरोध करने के जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की, हमारा बैग छीन ले गए जिसमें 2.5 लाख रुपए नगद और सोने की जंजीर हमारे गले से निकाल ली, मरणासन अवस्था में छोड़ गए, जो कि वारदात CCTV में कैद भी है। पुलिस ने उसमें अनियमितता दिखाते हुए दोनों तरफ से क्रॉस केस कर दिया। संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, किस तरह का इल्जाम फिर से पुलिस पर लगा है? जी कृष्णा, आपको बता दें कि अगर बात की जाती है सेना की, तो सेना के लिए हर व्यक्ति के लिए सम्मान होता है, तो उसी को शर्मसार कर देने वाली खबर एक है, जहां आपको बताएं कि इंडियन आर्मी के एक सिपाही हैं, जिनके ऊपर आपको बताएं कि जिनकी बहन की शादी थी और शादी के सामान का जो सामान होता है और रकम होती है, साथ ही साथ आभूषण होते हैं, उन आभूषणों को दबंगों के द्वारा लूट लिया गया, जिसके बाद वो तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनके पास जाकर अपनी गुहार लगाते हैं, मगर आपको बताया कृष्णा कि उनको न्याय नहीं मिलता है, जिसके बाद वो तमाम
अपने गांव को छोड़कर आज लखनऊ के अंदर में मौजूद रहे और यहां पे वो तमाम जो जिम्मेदारान है आला अधिकारी है उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं। मगर अभी आपको बताएं कि जो उनकी तरफ से बताया गया है कि अभी पुलिस ने इसमें मामले को संज्ञान लेते हुए ना जो दबंग है जो उन्होंने ये लूट की है उस पर खोजबीन कर रही है बल्कि इस पर चुप्पी साधी हुई है। वही आपको बताए कि ये जवान अभी अगर देखे तो इसके तरफ से कहा जा रहा है कि हम देश की रक्षा के लिए सरहद में तैनात रहते हैं और मेरे गाँव के जो जो लोग हैं जो दबंग है उनके द्वारा मेरी बहन की शादी में जो चीजें थी जो महंगी चीजें थी जिसमें खास करके आभूषण और तमाम कपड़े थे वो लूट लिए गए हैं और अब मैं नौकरी में वापस नहीं जा सकता। तो वो तमाम जो जिम्मेदारान है उनसे गुहार लगा रहा है। वहीं आपको बताएं कि वो समाजवादी पार्टी के आज अखिलेश नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधानसभा में अपनी जिम्मा संभालने वाले अखिलेश यादव से मिलने जाने की बात भी कह रहा है क्योंकि उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने इस पे अपने निगाहें नहीं लगाई है और साथ ही उसे जो न्याय पे भी विश्वास है और जो तमाम जिम्मेदारान है उनसे भी वो लगातार मुलाकात कर रहा है। जी सुषमा, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विभांशु। खबर गोरखपुर से जहां प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से होनहार बच्चों को लाखों रुपए की सौगात देकर उन्हें आगे बढ़ने में योगदान दिया और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देश में तमाम जगहों के बच्चों का पीएम केयर फंड दिया। इस दौरान कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रवि किशन ने भी शिरकत किया। गोरखपुर जनपद के 11 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई और ये बच्चे 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं और इनको 4 लाख से 9 लाख रुपए की धनराशि करवाई। तो ये क्या बच्चों के भविष्य के लिए पीएम केयर में उनकी अच्छी शिक्षा उनकी अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए प्रधानमंत्री जैसे एक जीरो माइक्रो डिटेलिंग में इस देश में काम करते हैं उसी प्रकार आज उनका ये एक बहुत ही एक सुंदर योजना रही और समस्त भारत में इसको लागू की तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए का आज उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक धनराशि जो दी है जिसके लिए हम समस्त मेरे साथ यहाँ पर पासवान सांसद माननीय कमलेश पासवान जी भी हैं हम कन्नौज में भू माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे। ताजो मामले में भू माफियाओं ने तिरवा तहसील पर हमला कर दिया। हमले के दौरान मौके पर मौजूद फोर्स ने तहसीलदार को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि फोर्स के साथ खेल मैदान के साथ कुछ और जमीन को खाली कराने के लिए तहसीलदार पहुंचे। वहीं इस मामले में लेखपाल की तहरीर पर 6 नामजद सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लगभग 20 बीघा लगभग जमीन है जो गांव सभा से बंजर उत्तर और खेल के मैदान के रूप में लगे जिसके शासन की मंशा का अनुरूप लेखपाल और राजस्व टीम के साथ हम लोग आए थे कार्रवाई कराने पुलिस बल भी साथ थी लेकिन इन लोगों द्वारा हमलावर हुआ गया जान से मारने की धमकी दिया गया राजस्व टीम को हाथापाई भी की गई। लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। तहसीलदार पर माफियाओं ने हमला कर दिया। मामले में वही 6 नामजद लोगों पर केस भी दर्ज है। लगातार सरकार जिस तरह से दावे और वादे कर रही है कि भू माफिया जो हैं उन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है उन पर एक्शन लिया जा रहा है लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से भू माफिया लगातार उन्हें कोई खौफ नहीं है प्रशासन का और लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। संवाददाता राम ऋषि हमारे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम ऋषि, क्या कुछ ये पूरा मामला है? ये पूरा मामला तिरवा कोतवाली क्षेत्र का है जहाँ पर पथराव हुआ है। वहाँ पर तहसीलदार वहाँ देखने के लिए गए थे और जगह को खाली करा रहे तभी गांव के लोग आए और उनके ऊपर पथराव कर दिया। हालांकि कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल जो है जिन्होंने हमला किया है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और 4 नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
खबर फरीदाबाद से, जो हाल ही में पल्ला इलाके में हुए स्विमिंग पूल में एक अनाथ बच्चे की मौत का मामला चर्चा में आया था, लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद में स्विमिंग पूल संचालक सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर स्विमिंग पूल संचालन कर रहा था, जिसके चलते रोज हादसा हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन को शायद फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार है। तो वहीं ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित स्विमिंग पूल का है, जहाँ एक बच्चे की जान जाते जाते बची, दूसरी बच्ची का पैर कटते से गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी रोष है। लगभग इसकी 150 से 200, तो आज सर जैसे देखने को मिल रहा है लगभग 300 से 400 के बीच में जो आए हुए हैं। 400 नहीं है इसमें, 150 से नीचे ही नीचे लोग हैं। तो सुविधा की बात करें तो क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? छोटा पूल है बच्चों के लिए 2 से 4 फीट का, इंडोर स्विमिंग पूल है लेडीज और बच्चों के लिए, और आउटडोर स्विमिंग पूल है 4 से 6 फीट। तो देखने में आ रहा है जैसे अभी हम गए थे, यहाँ भी बाहर बच्चे आए थे, उनके पांव कटे हुए हैं टाइलों से। बच्चे कई बार कहने के उपरांत नहीं मानते हैं, वो उल्टा सबर सोल्ड करते हैं जिससे टाइल को उसका कट भी लग सकता है। बच्चे मानते नहीं, मानते बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा नहीं कूदना उल्टा, नहीं कूदना उल्टा, नहीं मानते, शरारत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 9 से हूँ। अच्छा, कहाँ पर खड़े हैं? फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए आए थे, 12 सेक्टर आपका परिषद में जी, खेल परिषद के अंदर इनका स्विमिंग पूल। सुविधाओं की बात करें तो क्या सुविधा आपको मिल पाई यहाँ पर? सुविधाओं में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे खास, अगर आप खुद कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर आप लोगों यहाँ पे कोच, कोई पर्सनल कोच या फिर वैसे देखने करने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कोई कोच वगैरह देखने के लिए था? एमरजेंसी में अगर किसी को बुलाया, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ अभी, ठीक है, छोटा बेटा कर रहा था, अचानक ऐसी एमरजेंसी आ गई कि बेचारे का बोट छूट गया अपना, ठीक है, टायर छूट गया इससे, तो वे डूबने वाला था, हम लोग भागे हैं वहाँ पे, बट कोई ऐसा पर्सनल कोच ही वो नहीं थी। 400 रुपये पर है। खेल परिषद फरीदाबाद। अच्छा, स्विमिंग कराने के लिए बच्ची को मैं लेके आया था जी, और इसके अंदर जैसा कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पे टाइल्स उखड़ी पड़ी है जी। अभी बच्ची के पैर में इतना डीप कट है और इतना सारा ब्लड ब्लड इसका लॉस हुआ, मैंने अथॉरिटी को जाके कंप्लेन किया जी, बट कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी 2000 रुपये मैंने, अभी 4-5 लोग हम घर से आए थे, हमने 2000 रुपये उनको पे किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे डॉक्टर की कॉल भी क्लियर करनी है। कोई कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची रविवार को जारी की है। कांग्रेस ने इस सूची में उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। हालांकि यूपी विधानसभा में पार्टी के पास केवल 2 विधायक है, कांग्रेस के पास यूपी में केवल 2 विधायक है। यहाँ प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा मोना और महाराजगंज जिले के फरिंदा सीट से वीरेन्द्र चौधरी विधायक है, लेकिन पार्टी ने यूपी के 3 नेताओं के नाम का ऐलान किया है जिन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी। पार्टी के राजीव शुक्ला, इमरान प्रताप गढ़ी और प्रमोद तिवारी के नाम का ऐलान किया गया है। खबर रायबरेली से है, जो बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम पहुंच रहे हैं, जो लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का अवलोकन करेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस दौरान वह कुछ डब्बों का ऑर्डर भी दे सकते हैं, साथ ही साथ मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री पर बनाई गई फिल्म भी उन्हें दिखाई जाएगी। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के मुरादाबाद आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं रामगोपाल यादव ने मीडिया के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश में लोग भूखे मर रहे हैं, उस पर मीडिया कोई बात नहीं करता है। हमारे अध्यक्ष की बेटी की शादी, उसमें तो आना ही है, शुभकामना देने आए, शादी हो रही है, बच्चे सुखी रहे। सर, एक मसला चल रहा है ज्ञान बापी मस्जिद का, उसमें सिबलिंग निकला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सिबलिंग सर, जैसे आप कि मीडिया के पास इसके अलावा कोई मौजूदा लोग उनको मर रहे हैं, उसकी बात नहीं करते सर? वो भी होगी, उस पर मुझे कोई बात नहीं करते सर। अभी एक बयान आया है मसूद मदनी साहब का, बिहार के कटिहार जिले में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के विरोध में एमयू छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन किया और एंट्री गेट से लेकर बाबा सैयद गेट तक पैदल एमयू छात्रों ने मार्च निकाला। छात्रों के द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई, पुलिस प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुरादाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही छात्रों का कहना है कि माही नूर को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट किए, हम लोग सेंट्रल गेट से बाबा सैयद तक आए,
ये बात तो आया है, जाहिर है पूरे हिंदुस्तान के सामने कि एक 16 साल की लड़की माहिनूर के साथ दरिंदों ने जालिमाना तरीके से रेप किया है। और हैरत की बात यहाँ है कि पुलिस प्रशासन को खबर मिली लेकिन 6 घंटे के बाद उस मौके पर पुलिस पहुँचती है। और अफसोस की बात ये है कि उस लाश को 6 दिन तक इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक घुमाया गया लेकिन आज तक सच्चा रिपोर्ट नहीं दिया गया। देखिए 5 दिन पहले बिहार कटिहार में एक वाक्य पेश आया और एक बच्चे के साथ घटना पेश आई। खबर कानपुर से है जहां डीसीपी वेस्ट पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां डकैती की योजना बना रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। वहीं पुलिस ने इन 3 अभियुक्तों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। हमारे पश्चिम जोन के थाना कल्याणपुर क्षेत्र में जब रामा डेंटल कॉलेज के यहाँ जो खेतों के पीछे जब कल हमारे टीम जब ऐसे ही खास मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग कर रहे थे तो 5 लोग वहाँ पे खेतों में एक योजना बना रहे थे, उनमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। इनका मेन मकसद था कि एक जाने माने डॉक्टर है उनके भतीजे के खबर लखीमपुर खीरी से है जहां शासन के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक और अमराव पुलिस कर्मियों के मुखबिर की सूचना पर कंधईपुर गांव के पीछे अवैध खनन कर रही जेसीबी मशीन तथा 2 डंपर मिट्टी भरे डंपर पकड़कर थाने लाकर अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि अवैध रूप से खनन बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा चाहे खनन माफिया कितनी भी पहुँच रखने वाला। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया के ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।